योगेशी, ओपी मुंजाल साहब का बारे आप बताइए, एज अ पर्सन आपको, आई मीन हाउ वुड यू डिफाइन हिम एज अ पर्सन इन हिंदी सर? श्री ओपी मुंजाल मेरे चाचा जी हैं। एज ए पर्सन वो बड़े एक नेक, अच्छे, डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड और एक धुन के पक्के, जो भी काम उन्होंने निश्चय कर लिया है उसको पूरा करने में हर तरह की कोशिश करके उसको किसी भी तरह से और जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके साथ रिलेशंस, बहुत अच्छे रिलेशंस उन्होंने शुरू से ही बना के रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक कन्विंसिंग पावर, किसी को भी कन्विंस करना, और उसमें शेर व शायरी की मदद, जोक्स की मदद, एक ह्यूमरस एटीट्यूड, ये सारा उनके अंदर मेल मिला के वो एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आप यो कैरी थ्रू कर रहे हो उनका, कोई एज ए फैमिली जब टाइम स्पेंड कर रहे थे, या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आपको बहुत एज ए यादगार रह गया हो, ऐसा कोई आप बता पाएंगे? मैं सारी फैमिली में सेकंड जनरेशन में सबसे पहले बाहर पढ़ने के लिए मैं ही गया था। तो उस समय उन्होंने काफ़ी, कुछ फैमिली मेम्बर्स शायद उस टाइम मुझे भेजने नहीं चाहते थे कि यहाँ घर में रह कर के ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया और मुझे वहाँ भेजा, और मैं बाहर जाकर रुड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ा और वहाँ से इंजीनियरिंग करके वापस आया। फिर वापस आने के बाद भी उन्होंने एकदम मुझे बिना किसी एक्सपीरियंस के पूरी जिम्मेदारी दे दी और पूरी वहाँ पर गाइडेंस मिलती रही, एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली लुक आफ्टर करने के लिए। इमीडिएटली आफ्टर कमिंग फ्रॉम माय कंप्लीटिंग माय एजुकेशन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और उसमें जब भी ज़रूरत पड़ी गाइडेंस देते रहे और मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ऊपर उठाने की कोशिश करते रहे। उनका कोई डिस्टिंक्टिव या आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर का बारे बताइए जो मतलब आपको लग माने यू फील अबाउट इट? यही सबसे बड़ा, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कैसे भी लोग परेशान हों, कैसे भी लोग दुखी हों या गुस्से में हों, तो एक शेर बोल करके उन्होंने सबको खुश कर देना और एकदम सबके हंसी निकल आनी है, उस एटमॉस्फेयर में से हंसी निकालना, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जो उन्होंने ली हुई है। एक बार एक कैप्टन रतन सिंह जो आज़ाद हिंद फौज में रहे थे, वो पंजाब में मिनिस्ट्री बनी और उसमें वो एक्साइज मिनिस्टर बन गए, जिसमें शराब के ठेकों के ऑक्शन वगैरह भी होती थी। तो वो लुधियाना आए और सबसे पहले उन्होंने एक सभा की, सब काफ़ी लोग बैठे हुए थे और लोग बड़े गुस्से में थे, कैप्टन साहब आप क्या सुभाष चंद्र बोस के बाद आपने काम किया है और आज शराब के ठेके आप ऑक्शन करते हो, ये तो हमें पसंद नहीं, और बड़े गुस्से में लोगों ने बोला। उस समय हमारे चाचा जी उनके साथ स्टेज पर बैठे थे, उन्होंने इनको कहा कि आप ज़रा संभालो, इन्होंने उठ करके जो एक शेर बोला, पीते तो सभी हैं, मुल्ला भी पीता है, अगर दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा दे, और ये शेर बोलते ही उनके सब लोगों का गुस्सा ख़त्म हो गया, तालियां बज पड़ी, लोग खुश हो गए और वंस मोर करते चले गए। इस तरह की एक जो पावर उनके अंदर है, जिससे सबको अपना बना लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा गुण है। एज अ फैमिली मैन आप कैसे देखते हैं उनको, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ फैमिली, मेकिंग अ फैमिली, इसका बारे में बताइए ना? सारी फैमिली को हमारे तीनों एल्डर्स ने जोड़ के रखा हुआ है, सारे फैमिली को बार बार इकट्ठा करते रहते हैं, बार बार इकट्ठे रहने का संदेश देते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपना एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, जो भी कहते हैं पहले वो करते हैं फिर कहते हैं। फिर हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि हम रिलीजियस, स्पिरिचुअल सभी हैं, हमारे घरों में हवन होता है और समय समय पर बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि आते रहते हैं, वो घर पर ठहरते हैं, अच्छी अच्छी बातें कराते हैं, भाषण देते हैं, अच्छी बातें सिखलाते हैं, जिसका असर बहुत अच्छा होता है, इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बाकी दोनों, तीनों एल्डर्स ने मिलकर के सारी फैमिली को, ग्रुप को बड़ी अच्छी लीडरशिप दी है, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं। आप खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप बताइए एज ए बिजनेसमैन आप कैसा देखते हैं ओपी मुंजाल साहब? एज ए बिजनेस मैन उन्होंने कभी भी किसी भी जगह पे दूसरे नंबर पर रहना नहीं समझा, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सबसे ऊपर जाना टेक है, दैट अगेन, सबसे पहले नंबर पर आना है, सबसे लीडरशिप करनी है। तो जो भी काम शुरू किया, पहले दिन से उनके दिमाग में था कि हम सबसे ऊपर रहें। बिल्कुल सन 1947 में पाकिस्तान से हम लोग इधर आए थे, सब कुछ वहाँ छोड़ छाड़ कर यहाँ आए,
बड़े छोटे स्केल से स्क्रैच से काम शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी लीडरशिप की वजह से, उनकी प्रॉपर विज़न आउटलुक की वजह से आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं कि वहाँ हम हर तरह से हर एरिया में हमारी लीडरशिप है और लोग हमें एक बेंचमार्क मानते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। टुवर्ड्स द फैमिली बिजनेस उनका जो रोल रहा, इस रोल का बारे बताइए, क्या एम क्या रोल था उनका टुवर्ड्स प्रमोटिंग द फैमिली बिजनेस? हर फैमिली मेंबर को उनको उन्होंने हमेशा एनकरेज किया, हर फैमिली मेंबर को एक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं की, जहाँ जब ज़रूरत हुई गाइडेंस दी और हर फैमिली मेंबर आगे बढ़ता जाए, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाए, उसमें उन्होंने हमेशा गाइडेंस दी, जिसकी वजह से सारे फैमिली मेंबर आज बड़ी ज़िम्मेदारी से अपना अपना यूनिट संभाल रहे हैं और बाकी यूनिट भी अपने अपने एरिया में लीडरशिप दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 1 ही बन रहे हैं। थैंक यू।